सम्मानित मित्रों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, तो हम लोग आज की चर्चा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मौसम है, सूर्य देव की बहुत मेहरबानी है, लेकिन 5:30 बजे के बाद एकदम से उसके बाद ठंडा हो जाएगा, तो हम लोग अच्छे मौसम में आज की चर्चा करते हैं। तो सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर आ जाएं और हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। तो आप सभी का पुनः आज फुलवारी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इससे पहले हम लोग जनवरी माह में मिले थे और बीच में 1 माह का अंतराल हुआ, लेकिन इतना अच्छा लगता है आप सबकी उपस्थिति में कि हम लोगों का मन रह नहीं पाया। हम लोगों ने कहा फिर से इसको मार्च में अवश्य हम लोग आयोजित करते हैं, और इस समय मौसम भी बहुत साथ दे रहा है हम लोगों का। तो मैं प्रारंभ करूंगी, आज के जो नायक और लेखक हैं उनका एक सूक्ष्म आपको परिचय दूंगी। वैसे डॉक्टर सुशील उपाध्याय को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप शुरू से ही फुलवारी में एसोसिएटेड रहे हैं। पहले श्रृंखला के पहले एपिसोड से ही आप हम लोगों के साथ रहे हैं। तो आज आपकी पुस्तक सुनो सबरीना पर आज की चर्चा होगी। आप वर्तमान में चमनलाल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्राचार्य की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं आपसे आमंत्रित करूंगी कि सुशील जी अपना स्थान ग्रहण करें यहाँ पर, और फिर मैं इंट्रोडक्शन आगे बढ़ाऊंगी। और मैं मुख्य आयोजक महोदय रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि पुष्प गुच्छ भेंट कर आपका स्वागत करें। मैं आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, आप प्लीज़ बीच वाली कुर्सी में बैठ जाइए। पूर्व में आप उत्तराखंड हिंदी अकादमी और भाषा संस्थान में भी महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे हैं। डॉक्टर उपाध्याय 3 दशकों से पत्रकारिता, साहित्य और अकादमिक जगत में सक्रिय हैं। अब तक आपकी 16 किताबें प्रकाशित हुई हैं। आप अमर उजाला और हिंदुस्तान में बतौर पत्रकार भी कार्य कर चुके हैं और दुनिया के कई देशों में भ्रमण कर चुके हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान 2023 में कथा साहित्य के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से भी आपकी यही पुस्तक सुनो सबरीना को पुरस्कृत किया गया है। ये पुस्तक समय साक्ष देहरादून द्वारा प्रकाशित है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं आज की जो दूसरी डिस्कशंट हैं हमारे साथ, अनुराधा जुगरान जी को भी आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और अपना स्थान ग्रहण करिए, और रतूड़ी जी आपको पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत करेंगे। आपने MCOM, यू डिजर्व इट, दैट इज़ नॉट योर डिसीजन। अनुराधा जी ने MCOM और BEd की पढ़ाई की है और 15 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया है। प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन द्वारा आपको उत्तराखंड शिक्षा रत्न पुरस्कार से 2018 में नवाजा गया है। आपके स्वयं के शब्दों में आप एक नई पाठक हैं, और फुलवारी में चर्चा के दौरान आपकी विभिन्न पुस्तकों पर इतनी अच्छी टिप्पणियां होती हैं यहाँ पे कि उससे स्पष्ट है कि आपकी साहित्य में गहरी अभिरुचि है। और आज आप डिस्कशन के रूप में यहाँ पे उपाध्याय जी से प्रश्न पूछेंगी इस पुस्तक के बारे में। अब मैं मुख्य आयोजक रतूड़ी जी से भी अनुरोध करूँगी। एक और हमारे साथ एक विशेष मेहमान है, तो मैं चाहूँगी कि उनका भी आप स्वागत करें। हमारे साथ गौरी श्रीवास्तव गुप्ता हैं, ये सिंगापुर से कल्चरल क्यूरेटर के रूप में यहाँ पर आई हुई हैं। आप प्लेराइट हैं, नाटक लिखती हैं हिंदी में भी अंग्रेज़ी में भी, और नाटकों को डायरेक्ट भी करती हैं डायरेक्शन में भी, और आपके बहुत सारे बहुआयामी आपका व्यक्तित्व है। आप पेंटर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, और सिंगापुर का जो कल्चरल सीन है उसमें आप बहुत सक्रिय हैं, और वहाँ पे हिंदी भाषा को स्थापित करने के लिए आप बहुत सारी लिटरेरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है फुलवारी के मंच पे। अब मैं रतूड़ी जी से कहूँगी कि अब आगे का कार्यक्रम आप संभालेंगे। देवियों सज्जनों प्रणाम, बहुत बहुत आपको आपका स्वागत इस फुलवारी में चर्चा के इस अध्याय में। जैसा आप सब लोग अवगत हैं, आज जिस पुस्तक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम शीर्षक सुनो सबरीना, और उसके लेखक आदरणीय डॉक्टर
सुशील उपाध्याय जी, जिन्होंने अनेकों पुस्तकें अब तक लिखी हैं, और हम लोगों ने इस फुलवारी में चर्चा के जो विभिन्न अध्याय देखे उनमें कभी कभी उन्हें दूसरे रूप में देखा है कि वो लेखक को कटघरे में खड़ा करने में उनका अच्छी प्रतिभा रही है, बहुत प्रतिभा रही है। आज वो खुद कटघरे में यहाँ हम लोगों के समक्ष हैं, ये एक हम लोगों के पास अवसर है। ये पुस्तक 107 पृष्ठ की है, एक लघु उपन्यास इसको आप कह सकते हैं, और एक प्रकार का ये भी मैं कहूँ अगर जो कि ये एक यात्रा वृतांत के रूप में है तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। समय साक्ष इसके प्रकाशक हैं देहरादून में, और प्रथम संस्करण इसका 2022 में निकला है, और जैसा अभी राधा जी ने बताया कथा साहित्य के लिए अभी वर्तमान में इस वर्ष यानी अभी जो इसी वर्ष में 2023 के लिए जो भाषा संस्थान उत्तराखंड ने जो पुरस्कार दिए हैं उसके लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से वो पुरस्कृत किए गए हैं। ये बहुत अच्छा एक इसका, हाँ मैं चाहूँगा जरा कर्तव्य ध्वनि से आप हमारे लेखक का उत्साहवर्धन भी करें और ये धन्यवाद भी दें कि एक अच्छी पुस्तक हम लोगों के समक्ष यहाँ पर वो बहुत सफलतापूर्वक तरीके से लाए हैं। आज मैं देख रहा था कि फुलवारी में जो ग्रुप हमारा है उसमें बहुत अच्छा एक कमेंट हमारी आदरणीय श्रीमती डॉली डबराल जी ने डाला था इसके, मैं बाद में जब ध्यान दिया तो तब मुझे लगा कि जो शायद इसका जो कवर पेज है उसको देखकर उन्होंने ये कमेंट शायद किया होगा, तो इसका जो आवरण है वो भी बहुत सुंदर है और उसमें एक सुंदर महिला सबरीना के, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ उसके केश हैं, और बकौल डॉली डबराल जी उनकी पतली कमर भी इसमें है। तो जो आप लोग अवगत हैं हम लोग का जो ये प्रारूप इस चर्चा का रहता है वो लगभग 35-40 मिनट हम दोनों जो यहाँ इर्द गिर्द लेखक के बैठे हैं हम लोग प्रश्न करेंगे, कुछ अपने सुझाव या ऑब्जर्वेशंस देंगे, और उस पर जो रिस्पॉन्स है जो उनकी प्रतिक्रिया है लेखक की या उनके जो भी उनके टिप्पणी है वो हम लोग सब सुनेंगे, और उसके पश्चात करीब उतना ही समय 30-35 मिनट हम लोग आप और सारा हाउस जो है उसके लिए खोलेंगे ताकि ऐसे और कोई प्रश्न हो आपके और कोई सुझाव हो कोई ऑब्जर्वेशंस हो जिससे पुस्तक पर और कोई प्रकाश डले उसके लिए, और ताकि जब तक सूर्य ढले हम लोग अंदर चले जाएं और यहाँ वो ठंड को ना झेलना पड़े हमें। तो इन शब्दों के साथ मैं इस प्रारंभिक मैं कहूँगा इंट्रोडक्शन के साथ मैं अब अनुरोध करूँगा हमारी युवा जो एक हमारी साहित्य जो साथ में सह मैं कहूँगा डिस्कसेंट हैं श्रीमती अनुराधा जुगरान जी कि वह अपने ऑब्जर्वेशन अपने प्रश्न पहले प्रश्न या ऑब्जर्वेशन से चर्चा को कृपया आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगी। भले ही शायद चर्चा का प्रारूप भले ही ना हो पर मेरे लिए दो शब्द कहे बिना चर्चा शुरू करना बिल्कुल असंभव हो जाएगा, और ये दो शब्द हम याद ही क्योंकि आप जैसे कि नाम ने परिचय दिया कि मैं बिल्कुल नई नई पाठक हूँ, सो उस नए पाठक का मंच के इस साइड होकर के बैठना और इतने प्रबुद्ध जनों के बीच में बैठ करके बोलना दिस जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड सदगुरु, और ये सिर्फ मैम और सर के प्यार और प्रोत्साहन के कारण मैं यहाँ पर बैठी हूँ, सो थैंक यू सो मच सर एंड मैम। अब जैसे कि आज के हमारे जो लेखक हैं बहुत ही प्रबुद्ध, और जैसे मैम ने उनका परिचय दिया 16 किताबें छप गई हैं और कुछ और प्रेस प्रोसेस में हैं और इतने एस्टीम पदों पर वो विद्यमान रहे हैं, तो उनके साथ बैठ करके कुछ पूछना आई फील लाइक आई कुड हैव अ स्मॉल चेयर। लेकिन सर अगर मैं उपाध्याय जी को नहीं जानती हूँ पर्सनल लेवल पे, या मैं पृष्ठ भाग अगर नहीं पढ़ती हूँ पीछे वाला जो आपका इंट्रोडक्शन है, तो इवन कहानी पढ़ने के बाद
मुझे थोड़ा सा, अब क्योंकि मैं नई पाठक हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ पाता कि कहानी लिखने के पीछे क्या प्रयोजन है। ठीक बात है, है ना? और ये क्या आपके संस्मरण है, यात्रा वृतांत है, या कुछ आप बीती है उस पर आप प्रकाश डालिएगा प्लीज। अभी अनुराधा जी ने जो कहा है उनके कहने में मेरी भावना भी निहित है कि इतने वरिष्ठ प्रबुद्ध और प्रज्ञावान लोगों के बीच में अपनी बात कहना काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है और अवसर भी है। और बहुत लंबे वक्त बाद मैं अपनी हार्ट बीट्स को वैसे महसूस कर रहा हूँ जैसे कि कोई इंटरव्यू देने जाते वक्त महसूस करता है और कोशिश करता है अपने आप को बार बार कि नहीं डरो मत सब अच्छा होगा। मैंने अभी पानी भी पी लिया है। मेरी दो सम्मानित गुरु यहाँ मौजूद हैं, आदरणीय प्रोफेसर सविता मोहन जी और आदरणीय प्रोफेसर सुधा पांडे जी, उनको प्रणाम निवेदित करते हुए और सर के प्रति और मैम के प्रति धन्यवाद कह देना भर तो बात बनती नहीं है। इस रूप में मेरा परिचय सर से लगभग 2 साल का है और सर ने यह अवसर दिया कि जब जब उनके उपन्यास पे चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे छूट दी कि किसी भी तरह के अक्ल वाले बेअक्ल वाले समाने वाले बेसमाने वाले विद इन सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस सारे सवाल तरह के सवाल पूछे जा सकें। व्यक्ति के रूप में जब हम कल्पना करते हैं कि एक पूरे कद का इंसान कैसा होता है तो सर को और मैम को देख के अंदाज हो जाता है कि पूरे कद का इंसान कैसा होता है। और आज खुशी की बात यह है कि फुलवारी में कुछ नए फूल भी खिले हुए हैं तो उनकी महक और चमक भी यहाँ बिखर रही है। आपका सवाल ये है कि प्रयोजन क्या है। बहुत लोगों ने कहा कि ये संस्मरण है, कुछ लोगों ने कहा कि ये लंबी कहानी है, सर ने एक और नई कैटेगरी बताई कि ये एक लघु उपन्यास है, क्योंकि सीधी कहानी एक कहानी एक सीधी रेखा में है तो बहुत सारी कहानियाँ नहीं हैं तो उस पैमाने पर इसको कहानी भी लंबी कहानी मान सकते हैं। और चूंकि ये सिंगल सिटिंग का उपन्यास है 100 पेज आप 2 घंटे में बैठ के पढ़ लेते हैं तो ये उस रूप में अगर आकार के हिसाब से देखें तो लघु उपन्यास भी है। और चूंकि इस उपन्यास के पीछे मेरी उस देश की यात्रा भी जुड़ी हुई है, संयोग से मैं एक एक्सचेंज प्रोग्राम में उज़्बेकिस्तान गया था। हम लोग जा का अंतर नहीं करते तो उज़्बेक कहते हैं। उज़्बेकिस्तान गया था तो वहाँ हम लोगों के ग्रुप को जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लड़की को कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी तो वो सबरीना थी। और ये एक तरह से सबरीना की कहानी है, कई जगह रोंगटे खड़े करती है। सबरीना की सहमति थी इस कहानी में, कुछ जगह के नाम स्थान पात्रों के नाम वो बदले गए हैं तो संस्मरण भी कह सकते हैं। और एक लड़की की दुख भरी कहानी जिसका अंत बहुत ही उम्मीद भरा है, जो ख़त्म नहीं होती तमाम तरह के दुखों कष्टों के पीछे भी। तो एक ये मान के चलिए जो आपने प्रयोजन की बात कही कि एक कमिटमेंट था, क्योंकि उस पूरे एक महीने की अवधि में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, भारत के बारे में, उज्बेकिस्तान के बारे में, दोनों देशों की संस्कृति के बारे में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, क्योंकि उपन्यास बहुत जल्दबाजी में आगे भागता हुआ जाता है और बहुत सारी बातें करता है। सोवियत रूस के टूटने का मामला है, कैसे मध्य एशियाई देशों की जो अपनी सांस्कृतिक भाषिक पृष्ठभूमि है वो कैसे बंधुआ हो जाती है उस पुरानी सोवियत व्यवस्था की, लेकिन जब वो उससे मुक्त होते हैं तो उसकी कीमत क्या कुछ चुकाते हैं। और इसमें एक जगह जिक्र आया है कि वो जो समरकंद में कि बिल्डिंग का जो रंग है उसका पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि पहले वो हरा था मुस्लिम प्रभाव के कारण, फिर कम्युनिस्ट आए तो लाल हो गया, और अब मुक्त हुए तो अंदाज लगाना मुश्किल है कि वो रंग कौन सा है। तो और आखिर में मैं सर को कोट करते एक बात कह रहा हूँ कि आप जब कुछ लिखते हैं, अमित सर यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी किताबों का एक अच्छा पाठक हूँ, तो अक्सर सर से बात होती है तो हम किसी के लिए नहीं लिखते। अगर हमें ये भ्रम है कि हम दूसरों के लिए लिख रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि हमें उस भ्रम से दूर जाने की आवश्यकता है। हम केवल और केवल अपने लिए लिखते हैं और हमारे अपने लिखे में कोई दूसरा खुद को ढूंढ ले तो ये थोड़ी सी सफलता मान लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, और मेरे विचार से जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा अपने आप में बिना ये जाने हुए कि इसका क्या प्रयोजन है और लेखक की अपनी अपने अनुभवों के आधार पर है, उसके बावजूद कहानी का अपना अस्तित्व है। लेकिन दो तीन इसी से जुड़ा जो सवाल अभी अनु जी ने पूछा आपसे, जो नायक है उसका नाम सुशांत है जी, वो प्रोफेसर है इंडोलॉजी का जी,
वो भी प्रोफेसर है जी। वो प्रोफेसर है, सुशांत है जी। आप सुशील हैं, आप भी प्रोफेसर हैं। वो आप उज्बेकिस्तान गए थे, वो भी उज्बेकिस्तान गया। वहाँ सबरीना मिली, वो सबरीना सही में थी ये आपने बता भी दी जी। तो इसमें सुशांत में सुशील कहाँ तक है, ये बात आपने अभी कही कि इसमें कहानी सबरीना की तो ये असली है, और आपने उनसे पूछा भी और उसके बाद उनकी अनुमति ली कि इसे आपने अब प्रकाशित भी करा दिया, और कुछ आपने नाम वगैरह बदले और इसको एक कुछ उसमें एक प्रकार से उनको छदम करके, लेकिन इसमें कहाँ तक मैं कहूँगा ये आत्मकथा वाला इसमें जो ऑटोबायोग्राफिकल जो पार्ट है, और ख़ास तौर से मैं कहूँगा जहाँ वो कहते हैं कि मेरे साथ हिंदुस्तान चलो, तो वो और अगर जो उसमें आप हैं, और एक ऐसा मुझे कुछ ध्यान आ रहा है बीच में एक जगह जहाँ कहीं बोलना था और फिर दिक्कत हुई और फिर एक पैग मारा या दो पैग मारे तो ये जो काल्पनिक है कहीं असली है, और कहीं आप हैं और कहीं आप नहीं हैं, तो कहाँ आप हैं केवल इस पर मेरा थोड़ा सा अनुरोध होगा, आप बताएं। ये काफ़ी कठिन सवाल है और ये सवाल बड़ा रोचक है। ये सवाल घूमता रहता है बेसिकली, है ना, कैसे, क्योंकि मैंने सर के उपन्यास पे दो सत्र मॉडरेट किए और हर बार ये सवाल होता था कि भंवर की जो मीरा है वो राधा है कि नहीं है, ठीक है। और सर उसका बहुत बढ़िया उत्तर देते थे, तो लगभग मैं वही शब्द चुराता हुआ आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि आप ये देखेंगे कि पूरे इस उपन्यास में सुशांत का जो चरित्र है वो विकसित नहीं हुआ है, वो लगभग अपूर्ण है, वो कुछ दिखता ही नहीं है कहीं पर भी। वो खाली बस ये होते हुए देख रहा है कि एक लड़की अपने बीते हुए समय को, वर्तमान को उसके सामने रखती है और वो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें उसमें फिलर के तौर पे जोड़ता जाता है, तो सुशांत उतना ही उसमें है। एक मैंने ये बात नोटिस की अपने लिखे हुए के मामले में कि मेरा जो दूसरा उपन्यास है वो चीन की पृष्ठभूमि पर है, वहाँ भी अवचेतन तौर पर, या तो हो सकता है कोई पृष्ठभूमिगत चीज़ हो, कि वहाँ मैंने नायक का नाम सुहास रखा है, तो क्या ये इम्पोजिशन है अपनी अपने हैसियत का, जो कहीं किसी तरह की वंचनाओं से निकल के आती है, तो ये इसका उत्तर मुझे नहीं पता, एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी एक फेसबुक पे कमेंट आदरणीय सुधा पांडे मैम का आया कि तुम्हारी रचनाओं में या तुम्हारे उपन्यासों में जो महिला चरित्र हैं वो इतने ज़्यादा मानसिक उद्वेलन या द्वैत के शिकार क्यों हैं। अब ये सवाल पहली बार मैम ने खड़ा किया, मैंने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था कि सारा का सारा उद्वेलन उन नायिकाओं में या महिलाओं में क्यों है, एक पुरुष के तौर पर मैं क्यों अपने आप को इतना सेफ करता हुआ चलता हूँ। शायद वो भय है मेरा, यह समय के साथ वो दूर हो जाए, कि मुझे लगता है कि अगर नायक का पतन होगा या नायक पूरी तरह से विकसित होगा तो संभवतः लेखक के तौर पर मेरा पतन हो सकता है, संभवतः ये मनोवैज्ञानिक बात हो सकती है, क्योंकि ये दोनों बातें मैंने मैम के प्रश्न के संदर्भ में और आपके प्रश्न के संदर्भ में देखी। और इसका छोटा सा हिस्सा और है सर, क्योंकि आपका प्रोफेशनल लाइफ का भी और एक जो निजी ज़िंदगी है जिसे हम किसी भी इंसान का संवेदना का पहलू कहते हैं, वो आपकी भौतिक उम्र से आपका बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति लिख रहा होता है, खासतौर से पुरुष जब लिख रहा होता है, तो पुरुष कहीं ना कहीं उस नायिका के बरक्स अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है, कितनी हो पाती है, कितना कर पाता है, कितना नहीं कर पाता, ये बहुत कुछ उसके लिखने के कौशल पर, कथा के विकास पर और घटनाओं के संदर्भ में से निर्धारित होता है। बहुत अच्छे, कृपया अगला प्रश्न पूछिए, ऑन कर लीजिएगा उसको, टेक द क्लोज। लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। कैसे? जैसे कि आप ये कवर पेज देख रहे हैं और ये मेरा ध्यान गया जब मैम का क्वेश्चन आया कि कई लोग ऐसे पाठक ऐसे हो सकते हैं जो कवर पेज देख करके भी पुस्तक खरीदते हैं। बिल्कुल, इसकी भी एक कैटेगरी होती है।
तो ये सवाल ये है कि जिस तरह का आपने चरित्र सबरीना का दिखाया है उसका, उसमें उसके बाल छोटे हैं, हाँ, है ना, और इधर बाल लंबे हैं। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि प्रोफेसर सुशांत एक डिलेमा में रहना चाहते हैं, क्योंकि एक और कैरेक्टर है जारीना का, जारीना जी, तो क्या ये जारीना और सबरीना का कॉम्बिनेशन है जो इस पे बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। उसका सुशांत का एक दो जगह विचलन दिखता है, क्योंकि क्योंकि उसे कुछ चीज़ें जारीना की पसंद है, जो उसकी उसका अल्लड़पन है, जिस तरह से वो थोड़ा सा नॉटी किस्म की दिखती है कई बार, और लेकिन जब एक एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखता है, जो उसका जो सहानुभूति वाला पक्ष है वो उसका जारीना के साथ मैच नहीं करता, वो बार बार कहानी सबरीना की सुनना चाहता है। तो एक पात्र के तौर पे जब विकसित हुई है तो जारीना उस तरह से विकसित नहीं होती, वो फिलर के तो वो एक जैसे कहते हैं कि सहायिका के तौर पर ही वहाँ मौजूद रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात जो जिसकी तरफ इशारा किया है कि पुरुष की जो मनोभूमि है, संभव है कि ऐसे दिव्य पुरुष होते होंगे कि जब वो अपने भीतर बैठी हुई स्त्री को किसी एक स्त्री में देख पाएं। और उसमें मुझे याद है एक विज्ञापन था किसी का, तो उसमें जो नायिका है तो वो नायक के साथ बैठी हुई है और बहुत गहरे प्रेम में है, डूबी हुई है लगभग, और जो नायक का हाथ है वो पीछे की तरफ है, खुला हुआ हाथ है, और उस हाथ से वो किसी दूसरी स्त्री की चाहत को दर्शाता है। हालांकि उसमें विज्ञापन में तो वो दूसरी स्त्री का भी हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन वो खुला हुआ उसका हाथ हमेशा दूसरी स्त्री को आमंत्रित करता है, हमेशा। अब मैंने फिर कहा उस सीमाओं के तहत कि देखिए अपवाद हर जगह संभव है, तो जो विचलन है वो विचलन इस नायक में भी है कि उसे एक हिस्सा जारीना का बहुत आकर्षित करता है, और वो ऐसा नहीं कि जारीना उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रही है, वो बार बार उसको नोक करती है। सबरीना का धरातल पकड़ने का अलग है, सबरीना जब पकड़ती है तो चेतना के स्तर पर पकड़ रही है, लेकिन जारीना जब उसको नॉक करती है वो बिना कुछ कहे, वो ना वो कोई इरोटिक सीन उसमें है, ना कोई इस तरह का इरोटिक कंटेंट उसमें है, लेकिन वो नॉक करती है बार बार, और उसके नॉक करने में नायक पकड़ा भी जाता है। पर क्या ये पुरुष का जो बेसिक नेचर है, क्या ये मतलब, क्योंकि ये कहानी जो है, ये कहानी जो मैंने पढ़ी है वो बिल्कुल, मुझे लगा है कि सुनो सबरीना जो एक वो बिल्कुल मानवीय पहलू लिए हुई कहानी है, तो क्या उसमें ये ट्रायंगल होना जरूरी है, या पुरुष का एक डिफरेंट तरीके से स्त्री की तरफ आकर्षित होना जरूरी है क्या हर कहानी के लिए? ट्रायंगल की बात है, त्रिकोण की, चतुर्कोण की, पंचकोण की, षटकोण की बात है, मुझे पता नहीं, बाकी हमारे जो सीनियर लेखक हैं, जब सर का उपन्यास आया तो मेरा पहला व्यक्तिगत जब बातचीत सर से हुई तो पहला सवाल ये था कि सर क्या आप नोट्स बना के लिखते हैं, या मैंने अमित सर से भी ये बात कही थी कि आपकी भाषा में जो रवानी है, ख़ासतौर से शैलीगत वैशिष्ट जो आपकी भाषा में है, वो क्या आप पहले से तैयारी करके रखते हैं कि भाई इस शब्द को इस जगह रख दें, ये बात मैंने सर से भी पूछी थी। लेकिन चूँकि मैं लंबे समय मीडिया में रहा, हिंदी मीडिया में रहा, और मीडिया के बहाने मुझे आधे देश में काम करने का मौका मिला, तो मेरे लिखने में वो एक ख़ास तरह की बेचैनी और जल्दबाजी हमेशा मौजूद होती है। मुझे लगता है कि आज मैंने ये काम शुरू किया है तो अगले 2 दिन 3 दिन 5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा उपन्यास भी लिखना है तो मैं इसे 15 दिन में निपटा दूँ, मुझे इससे ज़्यादा का मेरे पास सब्र नहीं है, इसलिए वो भाग रही होती है हर चीज़ ना उसमें, हर हाँ। शुरू में इनफैक्ट जब ये पढ़ना शुरू किया, कहानी पढ़ना शुरू किया, तो इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा एंजाइटी हुई, क्योंकि इतना स्पीड हो रहा है, स्पीड ही चल रही है कहानी, और नजदीक रखिए, थोड़ा नजदीक रखिए। और एक बात ये भी है कि कुछ कुछ चीजें इससे बड़ी अच्छी भी सामने निकल कर आई हैं, कि जैसे मैं भी एक युवा बेटी की मदर हूँ और हु इज़ प्रिपेरिंग फॉर एजुकेशन, जो बाहर जाने की कोशिशों में है ना, तो वो उस एंगल से अगर मैं देखती हूँ कि वो माई गॉड, क्या मेरी बेटी को भी कभी ये सामना करना पड़ सकता है, हाँ। किसी ऐसी जगह बच्चे जाके फंस जाएँ, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ सामने निकल के आई है कि अपने बच्चों को पाठक अगर इस उम्र के हैं कि उनका या कभी भी बाहर जाने का प्रोग्राम अगर बनता है, तो यू शुड नो बिफोर हैंड
द प्लेस वेयर यू गोइंग, वहाँ का सोशियो कल्चरल थोड़ा सा आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, वहाँ की पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो $700 का एक तरबूज का टुकड़ा आपको मिल सकता है ना? सो इस हिसाब से ये बड़ा शिक्षाप्रद मुझे लगी है। और दूसरी बात ये भी है कि एक ये डिफरेंट एंगल्स भी, मैं एक छोटा सा कमेंट इस पे कर दूं जी। पहला जो सवाल का मैम का हिस्सा था, देखिए सभी पुरुषों के पास अपनी एक कहानी है, तो कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ना तो जिम्मेदारी ले सकता और ना ही दूसरे पुरुष की कहानी को बयां कर सकता है। हर पुरुष के पास अपने अपने एंगल हैं, तो ये उस तरह से सोच के नहीं लिखा गया कि इसमें वो एंगल फिट होगा ये। और जो बात आपने कही शिक्षाप्रद होने की, मैं बिल्कुल इस मामले में अज्ञेय जी के रास्ते पर चलता हूँ कि अगर लेखक को ये भ्रम हो जाए कि वो किसी को कोई शिक्षा दे रहा है, तो समझिए कि उसका पतन चाहे आज हो जाए लेखक के रूप में, चाहे 6 महीने बाद हो जाए, उसका पतन सुनिश्चित है। वो अगर अगर लोक में जगत में कोई प्राणी है जिसको शिक्षा दे रहा है, तो खुद को दे रहा होता है। और इसको अगर हम उसको ईसाइयत की दृष्टि से कहें कि हर लिखी हुई रचना लेखक का कन्फेस है, कन्फेशन है, वो बस उसने जगह परिस्थितियाँ पात्र हालात माहौल बदल के उसने अपने अगर ऊपर ईश्वर है और जीसस क्राइस्ट वहाँ मौजूद होंगे तो जाके चिन्हित कर देंगे कि भाई ये सुशील उपाध्याय तो हमारा है क्योंकि इसने कन्फेस किया है अपनी, या रतुड़ी साहब तो हमारे हैं, इन्होंने अपने उपन्यासों में रचनाओं में सब कन्फेस किया हुआ है, तो इनको मैं चिन्हित करता हूँ, अतः ये ईश्वर के शरणानुगामी होंगे। मैं कुछ आपकी जो पंक्तियाँ हैं उनका उदाहरण इसमें से करना चाहता हूँ, फिर थोड़ा सा सवाल में ख्याल से मेरे विचार में जो मुझको जो लगा जो इसकी मुख्य थीम है उस पर मैं जाना चाहूँगा। थोड़ा सा लंबा सा बैकग्राउंड के साथ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ ताकि मेरे ख्याल से उस चीज़ को हम उस पर जाएं। ये पृष्ठ 17 पर आपका जो लिखी हुई जो लाइनें हैं, सबरीना हिंदुस्तानी लोगों की बहुत तारीफ करती है, उसे हैरत होती है कि वह अपने कुनबे समाज और मुल्क को लेकर कितने संजीदा होते हैं। उज़्बेकिस्तान में पिछले 30-40 साल में हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं, अब तो ऐसा लगता है कि सोवियत हुकूमत ही ठीक थी। अब इसमें ये बात अपनी दिगर है कि मुख्य ये पात्र या सबरीना उज़्बेकिस्तान की है, कहानी उज़्बेकिस्तान में घटित होती है, सामाजिक आर्थिक हालात राजनीतिक हालात उज़्बेकिस्तान के हैं, नायक भारत से जाता है, और एक भारतीय दृष्टिकोण से मैंने देखा एक जगह वो भी कहते हैं, आपने बड़ा अच्छा लिखा है कि जब भारतीय बाहर जाता है तब उसे पहली बात ये एहसास होता है कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि यहाँ तो सभी ये कभी ऐसा इल्म होता नहीं है, तो एक भारतीय की नज़र से वो उसको देखता है और जो बातें उसे भिन्न लगती हैं, एक हज़ारों साल की संस्कृति से निकला हुआ व्यक्ति भारत की वहाँ जाता है और फिर वो उसको आश्चर्य जिन जातों पे होता है क्योंकि इतना फर्क कुछ दिखता है वहाँ के सामाजिक विघटन, जो मैं कहूँगा कि समाज की जो ईंट है मैं कहूँगा वास्तविक तौर पर वो परिवार है, और परिवार की नींव जो है वो विवाह है, तो विवाह परिवार और जो किनशिप कहें हम अगर जो नाते रिश्ते जो उसके बीच होते हैं उसके आधार पर फिर समाज बनता है, उसी पर राष्ट्र खड़ा होता है अंत में। और सोवियत रशिया के विघटन के बाद सोवियत रशिया ने 1917 से लेकर और मेरे ख्याल से 1991 में आकर जब ये कलेप्स होता है, तो इस दौरान पूरा प्रयास किया कि जो तब तक की संस्कृति थी उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, और उसमें एक प्रकार से धर्म विश्वास आस्थाएं सब खत्म हो गई, और फिर वो खुद ख़त्म हो गए, जो जिन्होंने ये सब कुछ ख़त्म किया वो स्वयं ख़त्म हो गए, तो उसका विनाश होना ही था। तो वो सबसे बड़ा असर तो ये पड़ा कि सबरीना का परिवार हो या ज़ारीना का परिवार हो या बाकी और लड़कियां जो उसमें पकड़ी जाती हैं, सब एक प्रकार से विक्टिम हैं और सब उस विघटित समाज और परिवार विवाह और जो रिश्ते हैं उनका परिणाम है।
और यहाँ से एक ऐसा व्यक्ति जाता है जो ये कह रहा है जो कि सबरीना हिंदुस्तानी लोगों को की बहुत तारीफ करती है, उसे हैरत होती है कि वह अपने कुनबे समाज मुल्क के लेकर कितने संजीदा होते हैं। ये एक प्रकार से मुख्य जो इसकी थीम है वो मुझे दिखती है। और इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये है कि अगर जो हम देखें कि कहानी क्या है, तो ये महिलाओं का ऐसी परिस्थिति में भी, अब समाज तो विघटित हो गया जी, लेकिन जो शोषण है वो पुरुष का नहीं हो रहा है, वो पुरुष का तब भी नहीं हो रहा है, पुरुष महिलाओं का ही शोषण कर रहे हैं। और ये कोई व्यक्तिगत स्तर पर या किसी गिरोह के द्वारा किया जा रहा हो यहाँ तक सीमित नहीं है, ये उनके व्यवस्थित एक संस्थागत तौर पर वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तक का एक कानून पास कर दिया गया है। हालांकि यद्यपि जो लोग अवगत होंगे कि वहाँ पर इस्लाम दोबारा से लौटा, तो इस्लाम में मुताह एक वो टेम्पररी मैरिज ही होता था, तो वो अब कोई इनोसेंट भारतीय और वो भी हिंदू जाएगा जिनको जानकारी नहीं होगी, उसको तो ये अवश्य अचंभा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इतनी क्रूर महिलाओं के प्रति ऐसी क्या चीज़ कर दी गई। लेकिन असली बात ये है कि वो कोई नई बात नहीं है, वो कोई नई बात नहीं है और वो अभी भी कहीं कहीं वो दुनिया में है। तो प्रश्न मेरा है कि एक तो ये सामाजिक समाज में परिवार, विवाह, रिश्ते और उनका जो महत्व है, नहीं तो राष्ट्र ही एक प्रकार से आप कितनी प्रगति आर्थिक रूप से कर लें लेकिन समाज आपका विघटित हो जाएगा, एक। दूसरा उसका जो सबसे खराब पहलू होगा वो महिलाओं के शोषण का होगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ आपने और डाली है, वो ये है कि जो नायक है, अगर जो मैं उसे ये कहूँ सुशांत को, कि उसकी माँ जो है वो भी शोषित रही, वो जिस समाज की एक प्रकार से हम तुलनात्मक प्रशंसा कर रहे हैं उस समाज में भी वो भी विक्टिम रही। तो अगर जो हम एक ओवर आर्चिंग थीम को देखें तो कुल मिला के एक पितृसत्तात्मक विश्वव्यापी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं के शोषण की, तो इस पर मैं थोड़ा सा चाहूँ। सर ने लगभग जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो बता दिए हैं, जो जिस तरफ संकेत सर ने किया है कि जो सबरीना के जीवन में जो पहला सदमा है, वो पहला सदमा ये है कि उसकी माँ आत्महत्या कर लेती है और वो बैले डांसर है। सबरीना मूलतः उज्बेक भी नहीं है क्योंकि उसके फादर रशियन हैं और मदर यूक्रेन की है। अब माँ आत्महत्या करती है तो हमेशा ये समझती है कि इस माँ की आत्महत्या के लिए जो जानी मानी नृत्यांगना है उसके पिता जिम्मेदार हैं। और एक दिन वो कुछ कागज उसके हाथ लगते हैं और वो आत्महत्या कैसे करती है कि बीती शाम उसकी माँ और उसके पिता के बीच किसी बात को लेके बहुत विवाद हुआ और फिर बाद में उसकी माँ सारी रात रोती रही और अगले दिन उसने आत्महत्या कर ली। अब वो पिता तो वो सब छोड़ छाड़ के रूस चले गए। बाद में जब सबरीना युवा हो गई, वो कागज़ हाथ में आते हैं तो पता ये लगा कि जो सबरीना की सबसे छोटी बहन है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना था और डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ये तो अब दोनों बड़ी बेटियों को देखिए, तो पता ये लगता है कि वो जो तीन बहनें हैं तीनों बहनें अलग अलग पिताओं की हैं और उनमें से तीनों कोई भी अपने पिता की नहीं है जो उसके पिता हैं। तो तब अपने पिता को लेके वो रीथिंक करती है कि मतलब मैं क्या सोच रही थी, वो आदमी ये सब पता होने के बावजूद भी उसने बेटियों के रूप में हमसे जो प्रेम किया उसमें कमी नहीं होने दी। अब सवाल ये है कि इसी में अब यहीं आगे बढ़िएगा एक मिनट, बस इसी से जुड़ा हुआ सवाल है ये, आपने बहुत अच्छा, जो उनके पिता हैं उनका भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये सब जानने के बाद भी उनका जो चरित्र इसमें अभिव्यक्त हुआ है उसमें उनका कोई एक दुख बहुत था लेकिन उन्होंने कोई उसका ब्लेम नहीं दिया उसको, तो ये एक मेरे ख्याल से असाधारण बात है, असाधारण परिस्थिति है।
इस लघुपन्यास में जो पात्र विकसित नहीं हो पाए, जो छपने के बाद जो लेखक को एहसास होता है, उसमें वो सबरीना के पिता भी हैं जो कमांडर हैं रूसी फौज में, और जब सोवियत संघ टूटता है तो वो विद्रोहियों की तरफ से लड़ते हैं। आखिर में उनको साइबेरिया निर्वासित किया गया, वहीं वो मर गए, वहीं उनकी कब्र बनी। और जब सबरीना को बाद में पता लगता है कि वो उस आदमी को जिसको सोवियत रूस में निर्वासित किया गया, वो मर गया वहाँ पे, और वो पिता के रूप में कैसा इंसान था कि इतना सब पता होने के बावजूद भी उसने कभी हम तीनों को एहसास नहीं होने दिया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तो वो बाद में जो एक बड़ा ही रोचक कैरेक्टर है, उसमें सर पीछे दिख रहे हैं ना, तो उन सर को देख के मुझे उस कैरेक्टर अपने उनकी याद आ रही है। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है और सिर के बाल कम होते जाते हैं, दाढ़ी बढ़ती जाती है, तो एक दिन इस स्पर्धा में दाढ़ी जीत जाती है, सिर के बाल कम हुए और दाढ़ी बढ़ती गई। तो प्रोफेसर तारिक भी उसे झिझोड़ के कहते हैं कि कब्रें खोदना हमारा काम नहीं है, तुम क्या करना चाहती हो वहाँ जाके, क्या करोगी तुम जाके पिता की कब्र खोदोगी। तो इंसान के रूप में एक पहलू वो भी है। अब मुझे जो बहुत ही वो पता नहीं कैसे वो जहन में वो बात आई होगी कि वो चूक गई होगी बात ना, कि सबरीना की माँ कलाकार है, बैले डांसर है, वो क्या परिस्थितियाँ रही होंगी कि उसके जीवन में अलग अलग पुरुष आते हैं और अलग अलग पुरुषों की के बच्चों की वो माँ बनती है, और फिर भी वो एक ऐसे पुरुष के साथ रहती है जो उस बच्चों का पिता भी नहीं है, जो उसका उस तरह से साथ रह रही है लेकिन प्रेम तो नहीं उसे करती, वो भी विकसित होने से रह गया, वो भी उसमें एक चूक है, वो एक बड़ी चूक है। लेकिन जैसे नायक की बात है तो पता नहीं क्यों मैं इस उपन्यास में सुशांत को नायक की तरह नहीं देखता, मुझे इस उपन्यास में प्रोफेसर तारिक भी नायक की तरह लगते हैं। मैं आगे प्रश्न पूछूं दूसरा, इससे पहले थोड़ा सा मेरी भी जो जिज्ञासा इसमें आई है, एक इसमें महिलाओं के आमतौर पर जिसे हम कहेंगे मानव तस्करी जी, जो मानव तस्करी या जो वैश्यवृत्ति, पहले वैश्यवृत्ति और फिर एक संगठित रूप में उसका मानव तस्करी का जो नेक्सस हम कहें, वो एक अभिशाप है। अब इसमें दूसरा पहलू, जैसे आपने कहा भी आपकी युवा बेटी 23 साल की, इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जब खानाबदोश था मानव जी, तो तब ये जो ऑनर है ये उतनी महिला की शरीर से नहीं जोड़ी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, तब महिला के शरीर से परिवार की ऑनर नहीं जोड़ी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब सभ्यता, जिसको हम कहते हैं सभ्यता, सिविलाइजेशन, वो आता है, तो वो तब आता है जब गेहूं उगता है पहली बार, और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी शुरू होती है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी शुरू होती है तो उसका फिर उसके इनहेरिटेंस भी आती है, और जब इनहेरिटेंस आती है तो फिर परिवार की जो 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 एक प्रकार से जो औलाद है या बच्चे हैं वो एक ही धारा में चलें, और वो धारा ना उसमें कहीं अशुद्धि ना हो, ये प्रश्न उठते हैं। और फिर महिला का जो शरीर है वो एक परिवार की गरिमा और उसकी जो ऑनर है उससे जुड़ जाता है। अब ऐसे परिस्थिति में महिला को एक प्रकार से तथाकथित सम्मान तो मिल रहा है क्योंकि ऑनर है, लेकिन वो एक बहुत भीषण तरीके से जकड़ी भी जाती है, यहीं से वो जकड़ भी शुरू होती है जो सारी एक पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की जो उसके बाद आती है। और जब इससे मुक्त होता है, होना है अगर जो आधुनिक महिला को इस जकड़ से मुक्त होना है, तो सबसे पहली मुक्ति अपने शरीर की मुक्ति है, सबसे पहली जो मुक्ति है। तो अब ये कोई नहीं कहता कि कोई महिला हो या पुरुष हो वो वैश्यवृत्ति स्वयं करे, अपने शरीर को बेचे, लेकिन ये निर्णय उस पर होना चाहिए, ये निर्णय उसका अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी मूल्यों के आधार पर होना चाहिए, कोई सामाजिक आर्थिक विवशताओं के आधार पर या शोषण या ऐसे गिरोहों के आधार पर नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा, जैसे आपने इधर पूरब की तो बात करी, पश्चिम में आप हॉलैंड चले जाइए, वहाँ ये लाइसेंस्ड है, वहाँ पर वैश्यवृत्ति बाकायदा लाइसेंस्ड है।
अब आप और हमारे समाज में शराब पीने का प्रचलन है, तो ये कोई कह सकता है कि शराब पीना अच्छी बात है? कोई नहीं कह सकता, लेकिन तब भी पी रहे हैं लोग, तब भी पी रहे हैं लोग। और जिन समाज ने कानून बनाकर इसको रोका, वो उसकी भी आपने देख ली कि और हालत खराब हुई, और हालत खराब हुई। तो शराब की बोतल पर लिखा रहता है एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपको विवेक आपके लिए है। दूसरा इशू है जैसे सिगरेट है, वो भी कोई नहीं कहेगा कि अच्छी चीज है, उस पर लिखा रहता है टबैको किल्स, ठीक है ना। तो अब इसके बावजूद भी विवेक, तो समाज ने ये छोड़ दिया कि मनुष्य विवेकशील है, वो अपने हिसाब से पिए या ना पिए, हमने बता दिया तुम्हें। तो लाइसेंस वहां उसी प्रकार से जैसे यहाँ एक्साइज का लाइसेंस है, सिगरेट अलाउड है एम्स्टरडेम में, वो वैश्यवृत्ति का लाइसेंस है, लाइसेंस है। तो अब जो हालात उज़्बेकिस्तान के हैं वो एम्स्टरडेम वाले नहीं है, वो वाले हालात नहीं है। उज़्बेकिस्तान के लिए अगर जो जैसा अभी अनु जी ने कहा कि वहाँ ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो मेहनत करनी चाहिए। आज हम और आप एक ऐसे देश में बैठे हैं जिसमें हम लोगों ने पहले 40-50 साल आज़ादी के बहुत कठिनाई में देखे, जब यहाँ कोई इंडस्ट्री नाम की कोई ऐसी नहीं थी जो कि हाँ जो थकी हुई इंडस्ट्रीज थी, टोटल इंसुलेटेड इकोनॉमी थी। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने यहाँ पर, लेकिन आज वो विकसित हो गई। आज यहाँ पर इसके बावजूद कि अनएम्प्लॉयमेंट है तब भी एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर सिस्टम कलैप्स हो गया, उज़्बेकिस्तान में कंप्लीटली कलैप्स हो गया। वो वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकती हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकती हैं। और जो आपने तो, और आप और हम जो हैं सिनेमा देखते हैं, आप देखिए जितने फिल्में चल रही हैं उनमें भारतीय हीरोइन के पीछे ब्लॉन्ड लड़कियां डांस कर रही हैं एक तादाद में, वो सब वहीं से आई हुई सेंटर, ये सब उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आपके तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितनी इवन अजरबैजान, तो ये आई हुई हैं। तो ये उसका, ये मेरा कमेंट है। अब एक मेरा प्रश्न जो आपसे है वो है, आपने इसमें एक जगह बात करी, अब वो थोड़ा सा मैं उसको मैं राजनीतिक साइड में नहीं ले जाना चाहता, और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि उस तरफ हम ना जाना चाहें, लेकिन वो एक साहित्यिक और इतिहास और समाज से जुड़ा हुआ विषय है। आपने ज़हीरुद्दीन डागर की बात करी है, उसके बाबर की बात करी है ना, तो उसमें थोड़ा सा मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि प्रोफेसर जो इंडोलॉजी का है उसको ये नहीं मालूम था कि समरकंद से उसको 3 बार खदेड़ा गया। ये मतलब आमतौर पर उसको मालूम होना, क्योंकि मेरे ख्याल से बाबर तो हमारे इस युग में खास तौर से पिछले 1526 के बाद से तो हम लोग सभी अवगत हैं, और वर्तमान में तो वो एक टॉपिकल भी इशू है। तो उसके बारे में जो प्रभाव वहाँ जो उनके बारे में है, उल्लेखनीय बात यह है कि बाबर स्वयं अपने आप को उज़्बेक नहीं मानता था, वो नहीं मानता था उज़्बेक। उज़्बेकिस्तान वाले आज उस पर गर्व करते हैं, आज उस पर गर्व करते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा, उसने यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा उस जमाने का एम्पायर को यहाँ पर फाउंड किया। लेकिन यहाँ जो उसका प्रभाव है जो आपने उसमें लिखा है वो, और आप इसको किस रूप में उस देखते हैं लेखक के तौर पर, और आपकी कोई धारणाएं इसमें हों तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए मैं बड़े संकोच के सामने आपके सामने बात शेयर कर रहा हूँ, कि कुछ संकोच के साथ इसलिए कि सर वेल रेड हम सब जानते हैं कि किसी भी विषय पर आप बात कर लीजिए तो तथ्यात्मक बात भी रहती हैं और तार्किक बातें भी रहती हैं। मैं केवल धारणाओं की बात कह रहा हूँ, तथ्य मुझे नहीं पता। धारणा ये है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में एक ऐसे व्यक्ति को नायक के तौर पर लिया जाता है जिसे भारत में बूचर माना जाता है, नरसंहार का, भारत में जो नरसंहार हुआ, कत्लेआम, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाले को कत्लेआम जो हुआ, इसी तरह से उज़्बेकिस्तान में बाबर की हैसियत लगभग उनके नायक की तरह है। मुझे जो एक आम व्यक्ति की तरह के रूप में जो लगता है वो ये है कि जब किसी समाज के पास अपने प्रभावपूर्ण और गौरवपूर्ण नायक नहीं होते तो
तो हमेशा आक्रांताओं को जिन्होंने बाहर की तरफ, चाहे उन्होंने हमें भी नष्ट किया हो लेकिन बाहर वालों को ज़्यादा नष्ट किया हो, वहाँ ज़्यादा लूटपाट की हो, तो कहीं ना कहीं हम चाहे अनचाहे अपना अपना जो गौरव है, राष्ट्रीय गौरव है, उनके साथ नत्थी करके देखने लगते हैं। लेकिन सर इसमें बार बार जो ये प्रोफेसर तारिक भी हैं वो चीज़ों को मुझे लगता है कि वो बार बार तार्किक रूप से रखने की कोशिश करते हैं। वो ना तो उस सोवियत सत्ता की तरफ झुके हुए हैं, जब वहाँ के थे तो वहाँ को जी रहे थे, अब यहाँ के हो गए तो यहाँ को जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो उस नायकों के महिमा मंडन के चक्कर में नहीं पड़ते। तो अगर मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो वो लगभग मेरा व्यू उनसे मैच करता है, प्रोफेसर तारिक बी के आसपास। ठीक, मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफ़ी प्रश्न पूछ लिए। अब मेरा अनुरोध है, हमारे यहाँ बहुत प्रबुद्ध साहित्यकार बैठे हैं और लेखक बैठे हैं, उनके अपने ऑब्जर्वेशन हो, अपनी टिप्पणियाँ हो, कोई प्रश्न हो तो कृपया वो लेखक से आप कर सकते हैं। मेरा अनुरोध होगा कि यहाँ इस तरफ आएँ, अपना प्रश्न पूछें। कोई है मैम, आप पूछेंगे? मैं पहले अनुरोध करूँगा। अच्छा आइए डॉक्टर शिमोन जी, आदरणीय। निश्चित रूप से नेक दिल इंसान हैं, उनका चरित्र काफ़ी प्रभावित करता है हम पाठकों को, लेकिन मेरे हिसाब से सुशांत ही नायक हैं इस पूरी रचना का, उपन्यास का। तमाम बातें हुई, उससे आगे की बात मैं करना चाहूँगा। तमाम चरित्र हैं लेकिन इस सुनो सबरीना के अंक पढ़ते पढ़ते जब अंत में जाते हैं तो वो कहती है, सुनो प्रोफेसर आओगे कुछ ही समय, कभी लौट कर आओगे, और बाद में एक वाक्य और कहती है कि तुम बताओ ना बताओ, कुछ इस टाइप की है कि तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगी। तो ये जो दो वाक्य लेखक ने रखा है, ये लेखक की कुशलता मानता हूं कि पूरी निचोड़ इस उपन्यास का यहां पर लाके डाल दिया। ये मैं जैसा देखता हूँ, हम लोग मजाक में इनको कहते हैं कि अनगाइडेड मिसाइल, मैं मजाक में कहता हूँ अनगाइडेड या मिसगाइडेड, मिसगाइडेड मिसाइल। ऐसे ब्रिलियंट होते हैं हमारे देश में कई लोग हैं, जैसे मलानी जी हैं, सुब्रमण्य स्वामी हैं, मैं मजाक में कहता रहता हूँ, हंसी मजाक में। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरा जो लेखन है वो अनगाइडेड मिसाइल है, वो किसी भी दिशा में चल पड़ता है, वो पहुंचता कहीं नहीं। वो ना तो ये दो वाक्य पर लाके रख दिया, इसका मतलब कि सबरीना का चरित्र वो नहीं है जो आम पाठक समझता है। एक दूसरा, अपने देश को उठाकर रख दिया है। ये मैं तारीफ करना चाहूंगा लेखक कि कुल मिलाकर के सबरीना भी जानती है कि जो भारतीय होते हैं, चाहे पुरुष हो या नारी, उनमें जो बात है वो किसी देश के निवासियों में नहीं है। लेकिन ये चाहते तो इस उपन्यास को 108 पेज से 250-300 कर सकते थे, बड़ा कर सकते थे। और जो मैं एक लेखक का पुस्तक पर तो ये जो अध्याय में बांटा है बड़ा अच्छा लगा आपका, और उसी में से उसका शीर्षक उठाया। ऐसा मैंने भी एक अपनी पुस्तक में, जब मैं तो ज्यादातर ऐसे ही मेरा शौक है मैं करता होता हूँ, तो ये बड़ा अच्छा लगा। एक चीज और मैं आलोचना करना चाहूँगा, ये पुस्तक ऐसा लगता है, शायद प्रकाशक भी यही है लेखक भी यही है, हाँ वो कमियां हैं, मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ पूरी तरह। प्रूफ रीडिंग की समस्या है, इसको जितनी जल्दी हो सेकंड एडिशन में इसको ठीक कर लिया जाए तो उचित रहेगा। आप कुछ इस पे बोलेंगे या मेरे ये ऑब्जर्वेशन ही माने हम इसे? जी 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 जी।
वो उसमें जो वर्तनी संबंधी गलतियां हैं और भाषा के संदर्भ में वो हो गया, वो नहीं, बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना सर, क्योंकि अमित सर जब लिखते हैं तो वो उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो उच्चारण है वो वही रहता है, लेकिन मैं अपने लिखे हुए में नुक्ते का प्रयोग नहीं करता, तो इसलिए कई बार वो भले ही बोलने में मजाक हो, आज़ादी हो, लेकिन वो निर्नुक्ता ही दिखाई देता है। तो तारिख भी का नाम भी ऐसा ही है लगभग ना, वो उस नाम की नहीं बात, हाँ वो क्या हुआ कि वो ये जितनी जो वो मेरी गलती, मेरे पार्ट पे भी गलती है कि ये बोल के लिखा गया है सारा। नहीं, एक जगह क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, अब एक मिनट, एक जगह ये हो गया है कि माँ मर गई, माँ ने तो आत्महत्या कर दी, लेकिन उसके बाद वो माँ और बाप दोनों लिखे हुए हैं कि वो उनको गोदी में ले रहे हैं। वो मिसप्रिंट ही है, मेरा ऐसा अंदाज है, वो मेरे को ऐसा, मैंने उसको इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मिसप्रिंट लगता है मुझे, मिसप्रिंट है। आदरणीय डॉक्टर सविता मोहन जी, मैं इस उपन्यास पर सबसे पहले टिप्पणी और फोन किया मैंने सुशील को कि बहुत जल्दबाजी में उसमें शुद्धि करानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उज्बेकिस्तान की यात्रा करी है पूरे 15 दिन, और जिस सबरीना को इन्होंने देखा है मैंने उसको बहुत बार और कई बहुत नज़दीक से देखा है। हम कितना भी स्त्री सशक्त की बात कर लें और परंतु वहाँ की स्त्री का जो दर्द है उसको तुम्हें और देना चाहिए था, उसको और विस्तार देना चाहिए था। जो मुख प्रेस पे बाल खोले हुए लड़की और डॉली जी ने उस पर टिप्पणी करी, मुझे तो पार्टी जाके मैना कुमारी दिखाई देती है, ठाड़े रही हो, वो खिड़की के आगे ठाड़े हुए हैं, शायद कोई आ जाएगा और आकर के उसको ले जाएगा, खिड़की के आगे बाल खोल के खड़ी है, सामने से उसका चेहरा चमक रहा है कि शायद एक प्रकाश उसके पास है, भविष्य उसके पास है। बहुत सुंदर चित्र है, मैं साधुवाद देती हूँ सुशील को, इसको जब पुनर्लेखन करोगे, मैंने कहा कि बेटा इसका पुनर्लेखन करो, सुशांत के चरित्र को और आगे बढ़े और वहाँ की स्त्रियों की जो पीड़ा है उसको और लिखो, एक बार फिर वहाँ की यात्रा करो। धन्यवाद। थैंक यू। आइए डॉक्टर, आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी जी, बहुत बहुत बधाई लेखक को और आज इस आयोजन के लिए। इसमें दो राय नहीं कि कई साल पहले जब प्रेमचंद ने लिखा था कि मानव जन के रहस्य को ढूंढ निकालना, उसे अभिव्यक्त करना सच्चे लेखक की पहचान होती है, इसमें दो राय नहीं कि अपने पात्रों के चरित्र को उभार कर सुशील ने इस कृति में बहुत सारी बातें प्रस्तुत की हैं। मैं रचना के विषय में न करके सीधे सवाल पर आती हूँ, क्योंकि समकालीन जीवन का योगदान को प्रस्तुत किया है। प्रश्न यह है, शस्त्र और शास्त्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये बात उठाई जाती रही कि नारी सिर्फ देह और वस्तु है, इस देह के स्वामित्व पर संस्कृति का व्यापक संसार भी सजा। परंतु 70 के 10वें दशक तक आते आते जब स्त्री ने सिर उठाकर कहना शुरू किया कि वह सबसे पहले वह देह है, अपनी देह की मालिक स्वयं है, yeah. तब पुरुषों के सारे समीकरण बदलते दिखे। आपका आपका सवाल चाहते हैं, जब स्त्री ने जी. मैं The Second Sex की बात कर रही हूँ और बहुत सारी कृतियां लगातार आई जब औरतों ने खुद उठाया कि हम अपनी देह के मालिक खुद हैं, हम खुद निर्णय करेंगे क्या होगा, पुरुषों के चिंतन के समीकरण बदला है। एक इसमें मैं जोड़ देता हूँ, ये जानते होंगे कि पुरुषों के इन समीकरण जब बदले हैं, जब इतनी आत्मकथाएं आई सारी देशों में, नेमी वुल्फ की फायर विद फायर या सेकंड सेक्स और भी कई किताबें आई, तो उसमें औरतों ने जब अपनी आवाज उठाई तब पुरुषों के समीकरण बदलते दिखे और उन्होंने दूसरी स्त्रियों का चिंतन करना शुरू किया। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आई वो 60s में आई है ना, और वो कहा जाता है जो ये विमेंस लिब और ये जो द विमेंस कंट्रोल ओवर आवर ओन बॉडी है ना, वो एक प्रकार से वो भी एक विमेंस लिब का एक इमेंसिपेशन है, और वही प्रश्न आप पूछ रही हैं। पुरुष लेखकों की दृष्टि का जवाब मेरी, आप आदरणीय शिक्षक हैं तो मेरे पास कोई इसका जवाब हो नहीं सकता। मैं एक छोटी सी बस एक मजाहिया किस्म की छोटी सी बात सुना देता हूँ कि कोई एक पीड़ित व्यक्ति किसी वकील साहब के पास गया और वकील साहब ने उसकी कहानी सुनने के बाद एक लंबा चौड़ा वो लिख दिया, मजमून लिख दिया। जब उस व्यक्ति ने वो मजमून पढ़ा तो वो दाढ़े मार मार के रोने लगा। तो वकील साहब ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा कि मुझे भी नहीं पता था मैं इतना पीड़ित हूँ।
तो जब आप जैसे विद्वान सर कह रहे हैं, आदरणीय मैम ने कहा अभी, मुझे लगता है कि मेरी वरिष्ठतम लेखिका यहाँ पे और जिनके हम पाठक हैं, डौली जी कहेंगी कि सच बात तो ये है कि जितनी सारी चीज़ें मैम आपने, सर ने, रियाल साहब के हाथ में भी मैं किताब देख रहा हूँ, आपने, हाँ जी, पीछे अनिल जी, अनिल भारती जी आकाशवाणी में करके मैं दिशासियों बैठे हुए हैं, जितनी चीज़ें आप लोग इसमें देख पाए ये सच बात है सर, मैं इनमें से कोई भी नहीं देख पाया। और मैंने बहुत हड़बड़ी में, जैसे मैं जो लिखता हूँ, जैसे मैम ने कहा, मैंने 15-20 दिन में इसको लिखा। और आप हंस सकते हैं इस बात पे या सोच सकते हैं कि भाई किस तरह का अहमक आदमी है, मैं अपनी छत पे टहलते हुए बोलते हुए लिखता था इसको। और ज़्यादातर मैं अपना लेखन उसी तरह से करता हूँ, क्योंकि फ्लो इतना तेज होता है सोचने का कि वो कागज़ पर लिखते हुए पकड़ में नहीं आता। तो अब मैं धन्यवाद दूंगा इन मशीनों का कि इन्होंने ज़िंदगी उस मामले में आसान कर दी कि ये अब बहुत फास्ट होती जा रही हैं, जो आप नहीं बोलते उसको भी सजेस्ट कर देती हैं कई बार ना, तो वहाँ से एक नया थॉट आ जाता है। मैं वैसे ही बस पुरुष के नाते वैसे ही सोचता हूँ जैसे आपने एक शिक्षक के रूप में मुझे तैयार किया। जी, महिलाओं की दृष्टि से लेखन में पुरुषों की चिंतन में बहुत फर्क आया है। जी, अब मैं दूसरा सवाल पूछूंगी, नायक के बारे में बात हुई, सुशांत है या प्रोफेसर, परंतु प्रकारंतर सुशांत को ही नायक माना जाएगा। दो तीन चीज़ें परस्पर विरोधी दिखती हैं। शुरुआत होती है एकदम भयभीत हो जाता है कि अपना कैसे होगा, क्या होगा, मैं पुलिस में पकड़ जाऊंगा, कभी ये सबरीना का पर्सनालिटी है। इसी तरह कभी शांत श्रोता के बाद तटस्थ दिखते हैं, कहीं आकर्षण का भाव है जो स्वाभाविक रूप में है या उसकी दयनीय दशा देख करता है। पुरुषों के साथ ऐसा किसी को दीनहीन देखा उसके बाद सहानुभूति दिखाने लगे, और कहीं श्रृंगार प्रदर्शन भी होता है। जरीना और डॉक्टर मिर्जा की उपस्थिति में पश्चिमे पर है कि जरीना के सामने वो अपना दैहिक प्रदर्शन भी करने चाहे, उसको कमर घेर लेते हैं। इसी तरीके से मन का चोर भी जरीना के प्रति कहीं प्रकट होता है। हाँ, नायक की स्वार्थी है और फिर तात्कालिक आकर्षण में बनते हैं, उससे अपना ही मोहभंग हो जाता है, अरे मेरा क्या, मैं तो लौट जाऊंगा। ये थोड़े से टाइम में इस प्रकार से नायक के मन में क्यों इतने प्रकार की स्थितियां, बहुत प्रकार अंतर बदलाव हुआ? केवल लगभग एक सप्ताह का मेरे ख्याल से ये पूरा भ्रमण था, तो एक पूरी संस्कृति और विशेष तौर से महिला की जो प्रश्न है उस पर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि नायक के जो चार प्रकार के नायक हैं काव्य शास्त्र में, उनमें से नायक कहीं पर भी नहीं, ये एक तरह से, हाँ, ये गिरा हुआ नायक है एक तरह से ना, और हाँ धीर भी नहीं है उसमें। हाँ जी, हाँ, धीरोद्धत जो है, हाँ, तो वो देखिए, अगर सच में पुरुषों को सच में, अगर जैसे सर ने बताया कि कैसे समाज विकसित हुआ, निजी संपत्ति का जो अवधारणा आई वो आई, तो सच बात ये है कि पुरुष जो है वो बहुत ही प्राय वो उच्छृंखल होकर चीज़ों को सोचता और देखता है प्राय, स्त्री की तुलना में। वो कितना गलत है कितना सही है, सारे पुरुष वैसा करते हैं कि नहीं करते हैं, हो सकता है कुछ स्त्रियों में भी वो पुरुष तत्व प्रभावी हो, तो हो सकता है वो भी उस तरह से देख पाएँ, लेकिन नायक में जो सामान्य मनुष्यगत कमियां हैं, खामियां हैं, वो उसमें मौजूद हैं। तो उसके चरित्र को जाने अनजाने किसी बहुत आदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। एक आखिरी सवाल, एक प्रोफेसर के हैसियत से नायक गए हैं वहाँ पर भारतीय संस्कृति इंदाबाजी पर व्याख्यान देने, गलतियां बहुत करते आता है कि नाबालिग लड़कियों को उद्धार की अवसर जब होता है तो झूठ बोलते हैं। प्रोफेसर जो हैं उनके साथ छद्माचरण कराते हैं कि मानव तस्करी, महिला खपरी, खरीद फरोख संबंधी अंतरराष्ट्रीय निगरानी समिति के मानव सदस्य जी। और दरोगा के सामने वो बैज लगाकर जो है वो कहते हैं, पुलिस अधिकारी धनिकों पर प्रभाव डालते हैं, उस समय आत्मविश्वास बढ़ जाता है। क्या ये एक भारतीय प्रोफेसर के चरित्र की शोभा देता कि वो जिस हैसियत से गया है वहाँ उसने लेकर छद्माचरण किया, और कभी ऐसा अगर भेद खुल जाता तब क्या होता? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, मेरे दिमाग में आया था, मैं इस सवाल को मिस कर गया। मैंने ध्यान से इसको लिखा। बहुत ही सही, मैं मेरे को दिमाग में आया था, मैं इसको मिस कर गया। साइन करते हैं वहाँ तो जाके। लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि सामान्य तौर पर मध्य एशिया में और पूर्वी एशिया में
लगभग लोग सोचने के मामले में और चालाकी चतुराई के मामले में लगभग हमारे जैसी हैं। सर ने पहले ही कह दिया था कि विधा की दृष्टि से आज की तारीख में कथेतर गद्य बहुत रूप में लिखा जा रहा है, नई शैलियाँ हैं, जैसे या तो लंबी कहानी कहें या संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तांत कहें, क्योंकि जिस तरीके से वृत्त चलते चले गए हैं वह जो है लगता है कि आप अपनी बात को रोज लिख रहे हैं, और जिस तरीके और हेडिंग डालना जो है वो उपन्यास के अर्थ में एक बाधा बनाता है कि पाठक की उत्कंठा समाप्त कर रहा है। आपने सबसे पहले कह दिया हवासी मैक्सी सबरीना $1.5 में तरबूज की फाँक, तो ऐसा लगता है कि कुछ चैप्टर आप लिख रहे हैं। जो सवाल आदरणीय का है वो है कि एक यात्रा वृतांत यानी हम अगर जो डायरी ही लिख दें तो हो क्या रहा है, इसमें 7 दिन की यात्रा है, उसमें जो अनुभव सामने आया दिन प्रतिदिन का वो अनुभव लिखा गया, तो या तो डायरी। अब यहाँ जो नायक सुशांत हैं वो एक प्रकार से माउथपीस या उसके प्रिज्म बन जाते हैं जिसके माध्यम से वो चीज़ दिया, तो वो एक उपन्यास के तरह चली जाती है। ये प्रश्न ये है कि ये किस उसमें आपने क्या कथा जो नहीं सवाल तो पूछने दो, स्ट्रक्चर और विधा के बारे में पूछ रहे हैं ना, विधा क्या है। विधा के बारे में शुरू में मैंने अपनी बात रखी थी कि जिन जिन लोगों ने अपने कमेंट भेजे तो कुछ ने कहा कि नहीं ये उपन्यास तो नहीं है, ये एक लंबी कहानी है, और फिर जैसा सर ने कहा कि ये उपन्यास उस तरह से अपने लघु उपन्यास है, फिर जैसे कहा गया कि चूँकि एक ये यात्रा वृतांत है जिसमें कुछ कथे को इस तरह से हाँ जी जी ऐसे, लेकिन मैं इसमें एक ही मेरे पास इसकी सफाई है, वो सफाई ये है कि मेरा जो नया उपन्यास है चिन्ह हुआ, तो चिन्ह हुआ में ये गलतियाँ कमियाँ नहीं हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को उस हड़बड़ी से रोका है कि मैं एक बार लिखना शुरू करूँ तो जो कुछ भरा हुआ है भीतर वो सही हो गलत हो उसको 15 दिन के भीतर कागज पर उतार देना है, तो चिन्ह हुआ के मामले में मैंने समय लिया। इसमें दोहरानी की विघटन और संक्रांत के दौर में पूरी दुनिया में ऐसी बात गुजरती, जब यहूदी आज़ाद हुए तो उनके सामने समस्या थी यहाँ रहें या यूक्रेन जाएं कहाँ जाएं, दुनिया भर की यहूदी शरणार्थी वहाँ पहुँचने लगे थे। इसी तरीके से जो सबरीना है वो पूंजी बाजार के एक अंग बनी है, हथियारों का अंधाधुन खरीद फरोख्त और इस तरीके से देह व्यापार का संबंध सामाजिक राजनीतिक आर्थिक पृष्ठभूमि में बनता है। इसमें दोहरानी उज्बेकिस्तान की दशाएँ बहुत खराब हुई, पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है, और एक बढ़ते भौतिकतावाद के दौर में यह इसे एक पूंजी बाजार एक विश्व व्यापार का अंग बन गया है, वो महिलाओं के साथ में सब गए क्योंकि स्त्री को वस्तु मानने वाली परंपरा चिंतन अभी शायद पूरी तरह दुनिया में खत्म नहीं, बहुत समय लगेगा। तो आइए मैम प्लीज, आदरणीय डॉक्टर विद्या सिंह जी, आप सभी को नमस्कार, और लेखक और आयोजक और प्रश्नकर्ता आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले विधा पर बात करूंगी कि लेखक लिखता है, विधा निर्धारित करके नहीं लिखता है, अब यह समीक्षक का काम है कि आप निर्धारित करें कि आप इसे बहुत सुंदर वो उसके जो दिल में आता है वो लिखता है, विधा निर्धारित करके नहीं लिखता। किसी के दिमाग में साहित्य कविता के रूप में अवतरित होता है, किसी के छंद के रूप में अवतरित होता है, किसी के गद्य के रूप में अवतरित होता है, तो लेखन बड़ा ही स्वच्छंद बहुत स्वच्छंद विधा है, उसे आप स्वच्छंद विधा कहिए, और यदि मुझे कहना हो तो मैं इसे उपन्यासिका कहूँगी। उदय प्रकाश की पीली छतरी वाली लड़की अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो ये काफी कुछ उस तरह का वो है, नोवेला जिसे कह सकेंगे, उपन्यासिका जिसे कहेंगे। अच्छा, पहले चीज तो मैं एक बात के लिए बधाई देती हूँ उनको, आपको उपाध्याय जी को, कि भाई फॉन्ट बड़ा अच्छा रखा है, फॉन्ट बहुत सही है, प्रकाशक एकदम बढ़िया है ना, और जिस तो प्रकाशक के लिए भी ताली एक बार बजा दीजिए, क्योंकि अभी तक तो मिस प्रिंट के बारे में सुना है, ये फॉन्ट के बारे में उनकी तारीफ भी सुने, और इतनी गलतियां हैं कि इग्नोर मारिए, मैं कॉपी लेकिन जो मैम जो भाषा संस्थान में प्रतियां भेजी थी उनमें प्रूफ की गलतियां नहीं है, ना वो हाँ उसमें प्रूफ की गलतियां नहीं है, वो जो कन्वर्जन में वो चेंज हुई, सामने ई वर्जन जाता है, हार्ड कॉपी नहीं जाती। अच्छा, इसमें आपने एक वो देखा होगा ना जो मुझे जिससे बड़ा कनेक्ट हुआ,
वो था वो केबिन कार केबिन केबल कार केबल कार चिंगमाई वाला भाई नाम तो है केबल कार लेकिन आप समझ लीजिए कि गांव में जैसे दो लड़कियों के बैठने का एक झूला पुल हमारे यहाँ रस्सी वाला पुल जो होता है पटरे पर और जिस खूबसूरती से आपने उसका चित्रण किया है भाई मैं आपको उसे उतरना बहुत मुश्किल था चलते चलते उतरना बर्फ में तो वहाँ भी वो साड़ी पहन के गई हमने कहा मैम साड़ी पहन के आप इस पे चढ़ेंगी क्या आधी दुनिया घुमाई हूँ यही पहन के अच्छा और इसके बाद क्या हुआ कि वो जो चला है दूसरा कोई तो बैठ ही नहीं पाया उस पर दो लोगों का होता है वो धड़ाम हो गई और वो तो ट्रॉली तो रुकती है ना मैं वो केबल कार कहने के आते हैं उसे तो मैं ट्रॉली कहूँ जी तो वो तो चलती गई और फिर उनका उपचार बैठ चुके थे हम तो निकल गए थे और पीछे से तो आपने वो बी बी नाम याद रहा तारीख तारीख मिर्जा तारीख भी हाँ तारीख भी तारीख तारीख भी और उनकी लकीर खींची बर्फ में और किस तरह से जैसे झील का बर्फ है और ये है कि बिल्कुल सेपरेशन नहीं पता चल रहा है तो वो दृश्य बहुत ही मार्वेलस है और सच में नाटकीय अच्छा नाटकीय है मतलब यदि हमारे साथ गई महिला के साथ ऐसा हो जाता तो हम क्या करते ना? और हम क्योंकि ठंडे प्रदेश के प्राणी हैं तो हम रिलेट कर सकते हैं कि पहाड़ी जीवन हर जगह इतना मुश्किल भरा है जी 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 जो जो आप ये केबल कार कह रही हैं ना जो जो रस्सा पुल जिस रस्सी पर जो हमारे पहाड़ में नदी को पार करने के लिए जो सांस लेके और वो सब लेके महिलाएं जो है वो इसी प्रकार से अपनी जान जोखिम में डालकर पार करती है सर, लेकिन वो तो सर लगातार ऊपर जाता है हाँ नहीं वो ठीक है वो थोड़ा सा उसका वृहद रूप है वृहद रूप है वो वृहद रूप है मशीनी है हाँ हाँ वैसे जाता है और उपाध्याय हाँ हमारे यहाँ हाथ से खींचते हैं जी हड़बड़ी में आपने लिखा उपाध्याय जी भटको मैंने कहा भाई आज जा रही हूँ उसमें चर्चा होनी है और मैंने किताब तो पढ़ी नहीं है किताब भेजो कहाँ रहते हो आप मैं तो रहता हूँ देहरा खास में किंतु किताब आपके पास पहुँच जाएगी और जब किताब आई 11:30 किताब मेरे पास आई उसमें देखूँ तो वियतनाम वियतनाम तो मैंने कहा ले भाई फिर मैंने फोन किया कि भाई भट्टी जी किताब तो गलत आ गई कोई बात नहीं मैं बदलवाता हूँ बहरहाल इस तरह से और मैंने फटाफट फटाफट चलिए धन्यवाद मैम बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद आइए भारती जी कुछ आप अपने आइए आइए आदरणीय भारती जी आप दूरदर्शन के अधिकारी हैं आकाशवाणी सॉरी आकाशवाणी के माफ कीजिए सम्मानित मंच और प्रबुद्ध जनों किसी ने डॉक्टर उपाध्याय को अनगाइडेड मिसाइल कहा किसी ने मिसगाइडेड मिसाइल कहा ऑफ द रिकॉर्ड लेकिन हम उनकी विद्वता की प्रशंसा करना चाहते हैं और सर तो अंग्रेजी के विद्वान हैं सर जानते हैं कि टी एस इलियट ने कहा था किसी विद्वान के प्रति सम्मान ही साहित्य की प्रशंसा है असहमत तो यहाँ पे बात हुई ये विधा कौन सी है तो मैंने उस रूप में इस पुस्तक को नहीं पढ़ा मैंने इसे एक रचना के रूप में देखा सृजन है रचना और रचनाकार को यहाँ अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता उन दोनों के एकत्व में वे पाठक भी हो जाते हैं एक जो रचना में रचनाकार को और रचनाकार में रचना को महसूस करते हैं वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे सच्ची रचना में अलगाव नहीं है और जैसे डॉक्टर सविता मोहन ने कहा कि ये हर जगह की कहानी है तो इसमें सर्वव्यापकता है जो मुझे दिखाई दी डॉक्टर सुशील उपाध्याय ने शब्दों में रम कर यथार्थ रचा है इसमें कल्पनाशीलता नहीं है इसमें हर कुछ यथार्थ दिखाई देता है और एक अनूठा भावलोक आपने उपस्थित किया है कहानी को आप ऐसे आरंभ करते हैं जैसे कि कोई बात आप कर रहे हैं स्त्री लेखन आज एक अलग ही आकार ग्रहण कर सका है और दुनिया में उसने अपने अलग ही निशान
रचे हैं, लेकिन एक पुरुष की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये एक सम्यक सोच आपने यहाँ पर प्रस्तुत की है। ये रचना केवल साहित्य की नहीं बल्कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी उतनी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। बहुत सही। इसमें लंबे समय से उपेक्षित रही एक पूरी परंपरा, एक संस्कृति का साझा दर्द और अनुभूतियां दर्ज हैं। इसमें संघर्ष है, इसमें प्रताड़ना है, इसमें आंसू की गूंज है, आंसू की ध्वनि है, सपनों की कुंठाओं की ध्वनि है। इसमें सारी ध्वनियां मिलकर गूंजती हैं, लेकिन अंत में चेतना की चिंगारी भी जलती हुई दिखाई देती है मुझे। बहुत सुंदर। दुखी संघर्षशील स्त्रियों की भी कुछ अंदरूनी सांत्वनाएं, कुछ उम्मीदें होती हैं जिन्हें वे अपने कलेजे से लगाई रखती हैं। मैंने बहुत पहले कहानी पढ़ी थी जिसे कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी भी कहा जाता है, उसने कहा था। तो डॉक्टर उपाध्याय, सबरीना ने भी कुछ कहा था, कभी लौट कर आओगे प्रोफेसर? वाह, क्या बात है। आप उसे बुला तो ना पाए। बहुत खूब, जाओगे? बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए आइए, आदरणीय श्री ललित रायाल जी, लेखक, उपन्यासकार, चिंतक, विचारक। सबसे पहले तो मैं उनके जो शिल्प है उस पर इतनी सारी दलीलें आई यहाँ पर, तो इसका जो स्वरूप है, रतुली सर ने भी कहा, विद्या मैम ने भी कहा कि ये नॉवेला उपन्यासिका है, और जो उपशीर्षक हैं, उपशीर्षकों में बांधनी का है तो ये रोजनामचा, रोजनामचा को नॉवल में लिया गया है। Exactly. उपन्यास में उसको सुगठित करने के लिए, बांधने के लिए और कथा संकेत देने के लिए ये परिपाटी सर पहले तो सर्वांतिस के डॉन क्विक जॉट में जी, हाँ। उसका साइज बड़ा है। फिर जो परसाई जी का एकमात्र उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, सब टाइटल से चलते हैं, तो अगर ये 250 पेज का होता है उपन्यास हो जाता है। साइज इसका सप्ताह भर वाला है तो नोवेला है। दूसरी बात कि जो इनका आकाशमुखी लेखन है, बोल के लिखना उसका प्रैक्टिशनर में आकाशमुखी बहुत सुंदर, सख्त को लेट के आकाश की तरफ मुख, क्या बात, बोलते जाओ बहुत को आकाशमुखी लेखन। बाकी इमोरल ट्रैफिकिंग पर, इमोरल ट्रैफिकिंग मतलब गलत समस्या है, खासकर उन युद्धग्रस्त समाजों की, और मध्य एशिया हमेशा से युद्धग्रस्त रहा है। बिल्कुल। और खासकर इस यूनिपोलराइजेशन के युग में जहां जहां लौह दीवार थी वहां वहां ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। जी, सीपीसी जो हमारे हमसाया मुल्क का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसमें बलोच केवल इसलिए विरोध करते हैं कि वहाँ ये सिविल, ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है एक साल वाला, चाइनीज वो सब अजमा रहे हैं। फिर जैसे सुधा मैम ने कहा कि स्त्री की चेतना पे, उसकी देह पे, उसके मन पे किसका अधिकार होना चाहिए, तो उसमें मैं सबसे अच्छा उदाहरण मानता हूँ यशपाल की दिव्या को। क्या बात है। और दिव्या जब भंते के पास जाती है कि मैं बुद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहती हूँ, तो उसने कहा कि पहले पति से, पिता से, पुत्र से, किसी से परमिशन लेके आओ। उसने कहा इनमें से कोई नहीं। तो कहा कि अमरुपाली भी तो बनी थी। कहा वो नारी नहीं थी, वो गणिका थी, गणिका स्वतंत्र होती है। तो ये विमर्श लंबा विमर्श है। एक सूत्र इन्होंने आशावाद का छोड़ दिया आखिर में, वो थोड़ा आश्वासन देता है। लेकिन आपने कहा कि आपका नायक न धीर ललित है, न धीरोदात्त है, न धीर गंभीर है, वो किसी और ही श्रेणी का नायक है। लेकिन वहाँ पर मतलब उसमें नहीं है साहस, तो सबरीना में साहस। बिल्कुल। सर ने उस क्वेश्चन को मेरा पॉइंट आउट कर दिया था कि बाबर समरकंद से खदेड़ा गया। बाबरनामा में वो बहुत बार इस बार को बात को दोहराते हैं, और बड़ी बड़ी प्रसिद्ध उक्तियां हैं कि मैं शतरंज के मोहरों की तरह पिटता रहा, हरगना वादी में, समरकंद में मुझे टिकने की जगह नहीं। तो एंडोलॉजी के प्रोफेसर
से ये उम्मीद नहीं रखना थोड़ा सा वो करता है। ठीक बात है। और एक बात और सर मैंने इस उपन्यास में देखी कि मध्य एशिया में ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानियों पे बना सिनेमा वो इसमें झलकता है कि वो जूता है जापानी भी गा रहे हैं सर और बेसिकली राज कपूर वहाँ बहुत हिट रहे हैं तो उस मार्फत वो हिंदुस्तान की संस्कृति को बहुत गहरे से समझते हैं। बाकी त्रुटियां जो आती हैं इसमें मैंने भी मार्क किया हुआ है, मेरे से ज्यादा डॉली मैडम ने किया हुआ है, दोनों में से किसी से भी वो नहीं है। नहीं तो सर खाने में कंकड़ जैसा अखरता है। ठीक बात में सहमत सर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हुई। खाने में कंकड़ जैसा है, वैसे खाना तो अपनी जगह है। प्रकाशक महोदय बैठे हैं तो ये एक बात जो आ रही है विधा के बारे में, तो लेखक जो अपनी सृजनात्मक उसमें जाता है, जैसे बहुत सुंदर अभी डॉक्टर विद्यान सिंह जी ने भी कहा, लेखक का प्रयोजन जो है वो ये भी आवश्यक नहीं है कि कोई उसे पढ़े, वस्तुतः यह भी आवश्यक नहीं है कि कोई उसे पढ़े, वो तो अपने जो आत्मीय जो भाव है उनको अभिव्यक्त करके उनसे मुक्त होना चाहता है, जो असली जो लिखने का है वो है। यहाँ तक कि एक आपने नाम सुना होगा अंग्रेजी साहित्य में एमिली ब्रोंटे का द वदरिंग हाइट्स जो है, एक बड़ा मानवा विक्टोरियन नॉवल है, और वो आज ये कहा जाता है कि स्ट्रक्चर जो उसकी संरचना है उसके मामले में उससे बड़ा विश्व साहित्य में ऐसा नहीं, लेकिन वो जो उन्होंने लिखा था वो लिख के उन्होंने एक लकड़ी के डब्बे में बंद करके वो मर गई और वो नहीं छापा उन्होंने, और बहुत वर्षों बाद उनकी बहन ने उसको निकाला और तब छापा। आज वो संसार में सबसे बड़ा नॉवल माना जाता है, तो उन्होंने अपना नॉवल लिखा और मुक्त हो गई। क्या बात है। तो इसलिए विधा क्या है, उन्होंने क्या नहीं लिखा, क्या लिखना चाहिए था, ये अलग बात है। क्यों? क्योंकि जब पुस्तक लेखक ने लिख दी और वो उससे एक प्रकार से स्वतंत्र हो गई तो उसका अपना जीवन एक बन गया, और जब जीवन बन गया तो जैसा अभी खुद स्वयं लेखक कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि इसमें ये दृष्टिकोण हो सकता है, तो जितने दृष्टिकोण उसमें दिख सकते हैं उतनी उसकी वो मैं कहूंगा समृद्ध साहित्य है, यही इसका वो है। हाँ, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्रीमती गौरी जी से वो आए अपने कुछ उनको इस चर्चा के विषय में कोई और जो आपको लगे आप बोलिए कृपया। नमस्कार उपाध्याय जी, मैं क्षमा चाहूंगी, मैंने इस किताब तो पूरी नहीं पढ़ी है क्योंकि मैं परसों ही आई थी, लेकिन आज की चर्चा को सुनकर मेरी उत्सुकता और बढ़ रही है और मैं जरूर पढ़ूंगी और बहुत शीघ्र पढ़ूंगी। बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं सिर्फ आप सबके सामने इस उत्सव के बारे में अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि फुलवारी में चर्चा की चर्चा मुझे सात समुद्र पार ही मिल गई थी और इससे सम्मिलित होने की चाह मुझे आज यहाँ तक खींच लाई है। मुझे बहुत गर्व है कि आज फुलवारी में चर्चा को एक बरस हुआ है। ये मुझे पहले बताया राघव जी ने कि ये आज बर्थडे है इसका, तो मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और मुबारकबाद। साहित्यिक गतिविधियों का एक ऐसा सक्रिय और महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है ये फुलवारी, तो इसके लिए मैं श्री अनिल रतूरी जी और राधा रतूरी जी को बेहद शुभकामनाएं, और इसी तरह ये बढ़ता रहे और आप सब इस सुंदर प्रांगण में इसी तरह एकत्र हुए, ये अभिलाषा में यहाँ आज प्रार्थना व्यक्त करती हूँ कि ये इसी तरह बढ़ता रहे। और ये जो महफिल सजी है वहाँ पलाश के फूल ताक रहे हैं, यहाँ इतने सारे पुष्प अपनी सुगंध फैला रहे हैं, और आप सब यहाँ जो
अतिथि हैं, आप सब इस उत्तराखंड के साहित्यिक क्षेत्र के फूल हैं, तो आप सबको मैं एक शेर नजर करना चाहूंगी जो कि बहादुर शाह जफर ने लिखा था कि फूल चमन में है हजार, देखो जफर ये क्या बहार, सबका है रंग जुदा जुदा, सबकी है भी अलग अलग। क्या बात है। तो इसी तरह आपके फुलवारी की सुगंध विश्व भर में फैले और यहाँ पर जो हो रही साहित्यिक चर्चाएं हैं, गतिविधियां हैं, ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाएं, ये ही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज इस पुस्तक पर बहुत सुंदर यहाँ हमारा वार्तालाप आदरणीय डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी, जो हमारे आदरणीय लेखक हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे इस चर्चा के। मैं पहले, इससे पहले कि मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए राधा जी से अनुरोध करूं, मैं अनुरोध करूंगा कि एक सुंदर पुस्तक के लिए, एक सुंदर रचना, एक सुंदर चर्चा और एक बहुत ही, मैं कहूँगा ना केवल लेखक, बहुत विचारक जो है वो इसी प्रकार अपना ऊर्जा हम लोगों में बांटते रहे, उनके लिए एक बार बहुत जोर से ताली कृपा बजाएंगे। धन्यवाद आपका, बहुत 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 आभार, बहुत आभार मैम। थैंक यू। पे जो चर्चा हुई बहुत ही रोचक रही और मैं उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इसमें विधा इत्यादि ये तो सब साहित्यकार लोग इस पे विचार करते हैं, क्योंकि मैं एक पाठक हूँ और एक पाठक और एक नागरिक हूँ इस प्रदेश और देश की और विश्व की नागरिक समझ लीजिए। तो मुझे आपको विशेष रूप से बधाई देनी, क्योंकि आपने जो विषय चुना ये सिर्फ किसी एक देश का या एक महिला का या कुछ महिलाओं की त्रासदी नहीं है, ये पूरे विश्व की त्रासदी है। और इतने संवेदनशील विषय को आपने इतने संवेदनशीलता के साथ आपने प्रस्तुत किया। तो आमतौर पे हम लोग कहते हैं, जैसे फुलवारी में ही बहुत सारी महिला लेखिकाओं की पुस्तकों पे हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है, आज एक पुरुष ने ये लिखा है, लेकिन जो इसमें कहते हैं ना यिन एंड यांग, तो आपके लेखन में यिन एंड यांग दोनों है। मतलब एक समग्र लेखक अगर कहें तो इसमें ये नहीं कह सकते कि ये एक पुरुष लिख रहा है, वो संवेदनशीलता जो आपकी है वो एक महिला वाली संवेदनशीलता भी आपके लेखन में है, जो एक आपको समग्र लेखक बनाती है। जैसे इनकी जो भंवर है, भंवर एक प्रेम कहानी में जो अभय है, अभय को हम लोग कहते हैं समग्र मानव है, तो उसी तरह से आप एक समग्र लेखक हैं। और बहुत आपको मैं बधाई देना चाहती हूँ। एक्चुअली अनुराधा जी ने कुछ इश्यूज रेज किए थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है उसका, इसलिए मैं उसको किसी और फोरम पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो देखिए, जो महिलाओं की त्रासदी है ना, ये अलग अलग तरह से परिलक्षित होती है। हमारे देश में क्या है, जो हमारा ग्रामीण अंचल है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कहीं भी महिला के नाम से नहीं होती है। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर रही थी, हम लोगों का एक जायका परियोजना है जिसमें जापान इंटरनेशनल वो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं स्टेट के कुछ प्रोजेक्ट्स को, वो एक हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट था जायका परियोजना का। उसमें ये कहा जा रहा था कि हम इसको फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से कार्यान्वित करेंगे। तो जहाँ पर फार्मर का नाम आता है ना, लीगल जो डेफिनेशन होता है, महिला को फार्मर का दर्जा कभी नहीं मिलता यहाँ पे। तो मतलब मैंने उस मीटिंग में ही वो पॉइंट उठाया कि आप इसको बदलिए, क्योंकि अगर आप फार्मर कहेंगे तो हमारी जो पहाड़ की स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं वो सब छूट जाएंगी इससे। तो ये उनकी भी त्रासदी है कि उनके नाम से कभी कोई ज़मीन होती ही नहीं है। तो इसी प्रकार से ये बहुत वृहद विषय है, मैं उसमें इस समय नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन आज की चर्चा ने हम लोगों को बहुत सोचने पे मजबूर किया। और ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी उपन्यास या कोई भी पुस्तक जब हम पढ़ें तो अपने आप ही हमारे कुछ विचार उससे निकल के आए और हम सब लोग सोचें और कैसे हम लोग एक बेहतर समाज बना सकते हैं, उसकी ओर हम लोग छोटे छोटे रूप में क्या कर सकते हैं उस पर विचार करें। आप सब लोग यहाँ आए और आपने इतना समय दिया और इतने धैर्य से सबकी बातें सुनी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।